नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदर्श विजय बिंद और आज मैं आप लोगों को एक ज़िला के बारे में बताऊंगा। तो एक ज़िला क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक ज़िला। तो एक ज़िला क्या होता है, एक ज़िला से पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें एक ज़िला में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सीरियल वाइज हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है हमें नोट्स लिखने की। जैसे हम नोट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लिखेंगे। तो एक ज़िले में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़िला का डेफिनेशन, उसके बाद बाउंड्री ऑफ एक ज़िला, और हम बाउंड्री में हम पढ़ते हैं अपेक्स, बेस एंड वॉल्स। वॉल्स में फोर वॉल्स होती हैं, फर्स्ट वॉल है एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर, लैटरल एंड मीडियल वॉल। तो उसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट के बाद हम बात करते हैं फिर क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकल क्या होती है एक ज़िला का, ये भी हम इसी लेक्चर में बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक ज़िला का डिफिनेशन। तो एक ज़िला इज ए पिरामिडल शेप सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट आर्म एंड चेस्ट वॉल ऑफ द अपेक्स ऑफ एक ज़िला। तो एक ज़िला क्या होता है, पिरामिडल, पिरामिड जैसा होता है। यह होता कहाँ पे, आर्म और चेस्ट वॉल के जस्ट बीच में होता है, इन बिटवीन आर्म एंड चेस्ट वॉल, टूवर्ड्स एंड मिडली टूवर्ड्स द नेक ऑफ रूट एंड बेस टूवर्ड्स द डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो इसमें हम बता रहे हैं कि अपेक्स क्या होता है, अपेक्स इसका एक ज़िला का टूवर्ड्स द मीडियल साइड होता है, और जो नेक ऑफ रूट जहाँ जहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस निकलता है नेक ऑफ रूट, वहाँ पे इसका अपेक्स होता है, एंड बेस जो होता है इसका डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। तो हम सबसे पहले हमने क्या क्या बात किया, एक ज़िला जो पिरामिडल शेप, पिरामिडल एक ज़िला जो पिरामिडल शेप, उसके बाद हमने देखा कि जो सिचुएटेड कहाँ होता है, सिचुएटेड इन सिचुएटेड बिटवीन, दिस इज बिटवीन अपर पार्ट ऑफ, ये बोल सकते हैं हम इसको, चेस्ट वॉल एंड आर्म, आर्म एंड चेस्ट वॉल। तो ये हो गया पिरामिडल शेप होता है एक ज़िला, और सिचुएटेड तो बिटवीन आर्म एंड चेस्ट वॉल। तो इसके बाद हमने बात किया क्या हुआ कि एक ज़िला, हम रिपीट कर देते हैं डिफिनेशन को, एक ज़िला इज ए पिरामिडल शेप सिचुएटेड बिटवीन अपर पार्ट आर्म, सिचुएटेड बिटवीन अपर पार्ट आर्म एंड चेस्ट वॉल। दिस इज इसका अपेक्स क्या होता है, अपेक्स ऑफ एक ज़िला टूवर्ड्स द मीडियल, टूवर्ड्स द मीडियल, और ये अपवर्ड एंड मिडली टूवर्ड्स द नेक ऑफ रूट एंड बेस टूवर्ड्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बाउंड्री। तो फर्स्ट ये हो गया डेफिनेशन, डेफिनेशन ये हो गया डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ते हैं बाउंड्री। बाउंड्री में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बाउंड्री में पढ़ते हैं बाउंड्री अब एक ज़िला क्या होता है। बाउंड्री में एक ज़िला के पास बाउंड्री में पढ़ेंगे अपेक्स, सेकंड पढ़ेंगे हम बेस, और थर्ड उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस के बाद पढ़ते हैं वाल। इसमें फोर वाल होती हैं, सी वाल्स। तो वाल्स पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपेक्स क्या होता है, उसके बाद बेस, फिर वाल्स। वाल्स में फोर वाल्स, फोर वाल्स में फोर वाल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर, थर्ड लैटरल, फोर्थ मीडियल। तो ये होगी हमारे चारों वाल, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल एंड मीडियल वाल। तो अब हम बाउंड्री के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि अपेक्स क्या होता है, और उसके साथ पहले हम बता दें हम बाउंड्री अब एक ज़िला का कैसे बनता है और अपेक्स कहाँ पे होता है। तो सर हम आपको बता दे रहे हैं फिगर के थ्रू, हम समझा रहे हैं आपको कि दिस इज़ द, इसमें बोलते हैं ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, दिस इज नाउ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा आउटर बॉर्डर ऑफ, जैसे कि हमने बताया है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट डी, हमने एक्जिलरी आर्टरी हमने वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था एक्जिलरी आर्टरी का डिफिनेशन कैसे जाता है, सब क्लेवनी आर्टरी से एक्जिलरी आर्टरी, तो कहाँ से होके कहाँ जाती है।
तो हम वहाँ बता चुके हैं, अगर आपको एक्चुअली आरटी देखना है तो हमारे हमारे आई बटन पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल सा है, या हमारे चैनल पे जाइए। तो ये हो गया हमारा आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप, ये हो गया हमारा आउटर बॉर्डर फर्स्ट। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, दिस इज स्कैपुला बोन, दिस इज रिब रिब बोन, एंड दिस इज अ क्लेविकल बोन। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखिए हम बता रहे हैं आपको एक्जिला बेस कहाँ है, सॉरी अपेक्स कहाँ है एक्जिला का। तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, सुपीरियर बॉर्डर ऑन आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल के बीच में जो होता है ये हमारा अपेक्स ऑफ एक्जिला, अपेक्स ऑफ एक्जिला, ये हमारा हो गया अपेक्स ऑफ एक्जिला। तो अपेक्स ऑफ एक्जिला कहाँ पे, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। तो अपेक्स ऑफ एक्जिला क्या होता है, अपेक्स हम बता दें, अपेक्स होता क्या है, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स एंड मिडली टू द रूट ऑफ नेक, जो हमारा नेक का रूट होता है वो टूवर्ड्स उसकी तरफ होता है, एंड इट इज़ नॉट ए पॉइंटेड नहीं होता, क्योंकि अपेक्स बनता क्या है, बनता कैसे है, अपेक्स इज फॉर्म बाई सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ क्लेविकल एंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, इसलिए पॉइंटेड नहीं होता। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे बेस की, तो बेस क्या होता है हम आपको बताएंगे। सो ये हो गया हमारा अपेक्स, ये हमारा हो गया अपेक्स, उसके बाद हम बात करेंगे बेस। तो बेस की हम बात करेंगे, बेस में सबसे पहले हम देखेंगे बेस इज फाउंड बाई स्किन, सुपरफिशियल फेसिया एंड एक्जिलरी फेसिया। तो बेस में हम यही पढ़ेंगे सबसे पहले कि बेस में क्या क्या होता है, बेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बेस को या फ्लोर भी बोलते हैं उसको, बेस को हम फ्लोर भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फाउंड बाई स्किन, सुपरफिशियल एक्जिलरी फेसिया, कॉन्वेक्स होता है अपवर्ड विथ कॉन्केविटी ऑफ एक्जिला। जैसे कि हमारा ये बेस हो गया, दिस इज द अपेक्स, दिस इज द बेस, ये बेस हो गया, ये अपेक्स हो गया। तो ये होगी हमारी बाउंड्री, टोटल ये वाल हो गए हमारे। तो अपेक्स हमने बताया कि अपेक्स इज फाउंड बाई सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ क्लेविकल एंड आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब, मिल के बनाते हैं अपेक्स ऑफ एक्जिला। तो बेस क्या बनाता है, बेस इज फाउंड बाई स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, एक्जिलरी फेसिया टू फॉर्म बेस, ये हमारा हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं बाउंड्री के बारे में। तो बाउंड्री में हम सबसे पहले देखते हैं वाल्स, इसमें वाल्स कौन कौन से बाउंड्री में, फोर वाल हमने पढ़ लिया, फर्स्ट क्या अपेक्स, सेकेंड क्या है ये बेस पढ़ लिया, एंड थर्ड क्या पढ़ेंगे वाल्स, वाल्स हमने थर्ड पढ़ लिया वाल्स। तो हमने वाल्स में सबसे पहले हम देखेंगे फोर वाल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, कौन कौन सा वाल है। तो ये हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये दिस इज द पोस्टीरियर वाल, दिस इज द पोस्टीरियर वाल, दिस इज मीडियल वाल, दिस इज द मीडियल वाल, और ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया एंटीरियर वाल। तो दिस इज नाउ द एंटीरियर वाल, ये हमारा हो गया एंटीरियर वाल। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल आर सुपर इम्पोज्ड होते हैं, यहाँ पर सुपर इम्पोज्ड क्यों होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब एंटीरियर वाल को हम ऐसे ये है ये ऐसे करेंगे तो पोस्टीरियर वाल शो नहीं करेगा, इसलिए हम ये एंटीरियर वाल को यहाँ से कटिंग करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि एंटीरियर वाल ये ओपन करके दिखा रहे हैं, ओपन ओपन करके दिखा रहे हैं, इसलिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके वाल की, ये होगी हमारी वाल, एक्जिला में वाल्स फोर वाल है, इंटीरियर वाल, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सॉरी ये हमारे एक वाल बची भी लेटरल वाल। लेटरल वाल बहुत वेरी नैरो होता है, दिस इज नाउ लेटरल वाल, वेरी नैरो होता है, क्योंकि इसमें जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर वाल जो होती है कन्वर्ज होती हैं ऑन इट, मतलब एक दूसरे से, इसलिए लेटरल वाल वेरी नैरो हो जाता है, दिस इज नाउ लेटरल वाल। ये हमारी चार वाल हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर वाल में, पोस्टीरियर वाल में, लेटरल और मीडियल वाल में मसल्स कौन कौन सी मसल होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर वाल की मसल की। इंटीरियर वाल में दो मसल होती हैं, पेक्टोरिस मेजर एंड पेक्टोरिस माइनर, जैसा कि हमने एक्जिलरी आर्टी में बताया था। जब एक्जिलरी आर्टी मैंने लेक्चर बताया था उसमें बताया था कि पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनर कहाँ पे होती हैं, कैसे होती हैं। तो पोस्टीरियर वाल अब हम बात करें बात पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर में तीन मसल, सब स्केपुलरिस, पेक्टोरिस मेजर एंड लेटिस मेजर डोर्साई। उसके बाद बात करते हैं हम मीडियल वाल की। मीडियल वाल जो होता है एक कॉन्वेक्स लैटरली होता है, दिस इज द मीडियल वाल। ये कॉन्वेक्स है और किस तरह से लैटरल साइड में है, कॉन्वेक्स लैटरली। ये बनता है अपर पार्ट ऑफ फोर रिब, चार रिब से और उसके इंटरकॉस्टल मसल से, अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल और सेरेटस एंटीरियर मसल से बनता है मीडियल वाल। उसके बाद बात करते हैं हम लैटरल वाल। लैटरल वाल जो होती है कोरेको ब्रेकियालिस एंड सॉर्डेड बाइसेस ब्रेकियाई मसल बनता है, और लैटरल वाल जो होता है वेरी नैरोड होता है, क्योंकि इंटीरियर पोस्टीरियर वाल जो होता है कन्वर्ज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ये लेटरल वाल जो होती है नैरो हो जाता है। ये तो ये बात हुई हमारे बाउंड्री की। बाउंड्री में वाल वाल में चार वाल होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल, ये हो गई। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंटेंट ऑफ एक्जिला। कंटेंट ऑफ एक्जिला मेन मेन पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कौन सा कंटेंट होता है कि बाउंड्री, मतलब जैसे कि वाल में कौन कौन सी नर्व जाती है, एक्जिलरी आर्ट मतलब कौन कौन सी आर्टरी वेन और क्या क्या होता है उसमें, तो ये हमें बताएंगे एक्जिला में कौन कौन क्या कैसे जा रही है, तो वो तो हमने बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट में, कंटेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट में जो है कंटेंट में, कंटेंट ऑफ एक्जिला में सॉरी लॉन्ग थोरैकिक नर्व हम बता भी चुके हैं आपको, और एक्जिलरी आर्टरी होती है, एक्जिलरी वेन होता है। एक्जिलरी आर्टरी हमने आपको डिटेल ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है एक्जिलरी आर्टरी के बारे में और उसके ब्रांचेस के बारे में। तो एक्जिलरी वेन होता है और ट्राइब्यूटरी होती है। एक्जिलरी वेन और ट्राइब्यूटरी क्या होती है, हमारा ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके बारे में। उसके बाद हम बताएंगे आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, तो ब्रेकियल प्लेक्सस भी होता है कंटेंट ऑफ एक्जिला में, और लिम्फ नोड बारे में बताएंगे। तो लिम्फ नोड ये सब अभी हमारे दो वीडियो पेंडिंग में हैं, एक्जिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस। एक्जिलरी आर्टरी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो, तो आप जाइए और हमारे वीडियो को देखिए, हमारे आई बटन पे जाके हमारे वीडियो को जरूर देखें प्लीज। थैंक यू।